नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुए। इन चुनावों में बाजी पलटी और जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई, वो भी तब जब बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद नहीं था और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया था चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए और उनके पास बहुमत का आंकड़ा था। फिर भी जीत बीजेपी की हुई, क्योंकि बीजेपी को 16 वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 12 वोट मिले और 8 वोट इनवैलिड करार दिए गए। अब इन्हीं 8 इनवैलिड वोट को लेकर कोहराम मचा हुआ है, सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया है कि दिन दहाड़े बेईमानी हुई है। सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र के लिए ये काला दिन है। आज से 76 साल पहले अहिंसा के पुजारी और शांति के पुजारी गांधी जी की हत्या की गई थी आज ही के दिन, और आज 76 साल के बाद आज ही के दिन उन्होंने जनतंत्र की, लोकतंत्र की हत्या की है। एक तरह से लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके, सरेआम बेईमानी करके, और किस्मत से वो उनकी बेईमानी जो है वो वीडियो में कैप्चर हो गई, वो पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है और इन्होंने ज़बरदस्ती चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर बनाया। इश्यू ये नहीं है कि मेयर किसका बनना चाहिए, चुनाव है, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, कभी वो जीतते हैं कभी हम जीतते हैं। देश नहीं हारना चाहिए, देश जरूरी है, जनतंत्र नहीं हारना चाहिए, जनतंत्र जरूरी है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, मेयर आते जाते रहते हैं, मेयर इम्पोर्टेंट नहीं है। इशू आज ये नहीं है कि हमारा मेयर बनना था, हमारा मेयर नहीं बना। इशू नहीं है कि इंडिया गठबंधन को आज जीतना था, वो नहीं जीता। इशू है कि सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन अब आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी, जी हां, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इन चुनावों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी, ये कल्पना से परे है। वर्षों पहले आज ही के दिन गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और आज ही गोडसे वादियों ने उनके आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों की बलि चढ़ा दी। राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर अपनी बातें सामने रखते हुए ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या कर दी। आरोप पीठासीन अधिकारी पर है और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने तो ये तक कह दिया है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन अब ये मामला हाईकोर्ट जा रहा है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट में इस मामले पर क्या फैसला आता है। लेकिन एक बात साफ है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरीके से बवाल हुआ है, उसके बाद लगातार अब ये मामला जो है सियासी तौर पर भी सुलग रहा है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।